Hello friends, I am Chanchal and today we discuss regional rural bank. Regional rural bank established क्यों हुए थे? ये door to door service जो rural area के person है, जो remote rural area है, वहाँ पर bank easily access नहीं कर पा रहा था. वहाँ के लोगों को काफ़ी problem होते थे loans लेने के लिए, उनको शहर में आना पड़ता था. Rural वही villages को हम denote करते हैं और उनको अर्बन एरियाज में आना पड़ता था लोन लेने के लिए और उनकी रीपेमेंट भी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे. इस चीज़ को समझते हुए गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया, गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया. इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? जो एरिया जहाँ पर बैंक ना पहुँच सके या कॉरपोरेटिव बैंक या फिर कमर्शियल बैंक ना पहुंच सके, वहाँ पर ये लोग पहुँचे और ख़ुद को स्टैब्लिश करें. इन 1976 रीजनल रूरल बैंक एक्ट बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग 19 बैंक्स को सेटअप किया गया, 19 बैंक स्टैब्लिश किए गए रीजनल रूरल बैंक के नाम से. देन इनका बेसिक पर्पस क्या था? इनका बेसिक पर्पस था जो फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो रूरल एरिया में एंटरप्रेन्योर है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम नहीं कर पाते, उनको भी क्या प्रोवाइड करना? लोन्स प्रोवाइड करना, उनको कमर्शियल हेल्प देना. क्रेडिट एजेंसी, डिफरेंट डिफरेंट क्रेडिट एजेंसी है जैसे कॉरपोरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक, वो क्या करते थे? रूरल पीपल जो होते थे उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे क्योंकि कॉरपोरेटिव बैंक जो है, ये जो बैंक्स हैं ये बैंक्स डिपेंड है पूरे आरबीआई पे. आरबीआई इनका सब काम करता था पहले, बट अब उन्होंने थ्री पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है. मतलब इनके स्ट्रक्चर्स में जब हम पहुंचेंगे तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने परसेंटेज किसका होता है. यहाँ पर एक आता है स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो स्पॉन्सर करते हैं रीजनल रूरल बैंक को. नाउ एट प्रेजेंट 56 आरआरबी, मतलब 56 बैंक्स है इंडिया के अंदर वर्किंग कर रहे हैं जो 525 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं विद अ नेटवर्क ऑफ 14,494 ब्रांचेस. इतनी ब्रांचेस हैं उनकी जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है. नाउ कम टू द फीचर्स. फीचर में सबसे पहला यही है स्पॉन्सरशिप, शेड्यूल बैंक इनको स्पॉन्सर करता है. सेकंड वन इज़ मैनेजमेंट. ये 8 मेंबर्स की टीम है जिसमें एक चेयरमैन है और जो स्पॉन्सर बैंक के ऑफिसर हैं. 3 बैंक स्पॉन्सर बैंक के होते हैं, स्पॉन्सरिंग बैंक. 2 मेंबर्स होते हैं उसमें स्टेट बैंक के एंड रिमेनिंग 3 बैंकर्स स्टेट बैंक के जो मिलके अपना काम और इस बैंक को अच्छे से चलाते हैं. और जो मेंबर्स हैं वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. किनको? जो पर्सन्स होते हैं वहाँ के रीजनल रूरल बैंक में जो पर्सन काम कर रहे होते हैं. ये लोग, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है लोन्स को प्रोवाइड करना, एडवांस देना और एग्रीकल्चर पर्सन जिनके भी उनकी सिक्योरिटीज़ हैं उनको इकट्ठा करके रखना. ये सब काम किसका होता है? रीजनल रूरल बैंक्स का. आपने शायद आसपास कभी कई बार सुना भी होगा कि ये आरआरबीज़ हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं. और इनकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होती है, 0.50% होती है अगर आप उनसे लोन लेते हो. या फिर इंटरेस्ट वो क्या है, ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. मतलब बैंक की इंटरेस्ट जो हमारे अर्बन एरियाज़ में होते हैं उससे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं. और एक ये होता है कि हाँ, आपको इतना अमाउंट तो मिनिमम रखना ही रखना है बैंक में, वो भी इन बैंक्स में काफ़ी कम होता है. नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर्स को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर को लोन प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना, रूरल बिजनेस को रिकॉग्नाइज करना, उनको बढ़ाना और प्रोवाइड करना इजी चीप लोन थ्रू टू द पुअर और बैकवर्ड क्लासेस. दैट्स ऑल द ऑब्जेक्टिव. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फिर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इनकी पेड अप कैपिटल स्टार्टिंग ये कितनी कैपिटल से हुई थी? 1 करोड़ कैपिटल से हुई थी.
बट अब वो अकॉर्डिंग टू द RRB अमेंडमेंट एक्ट 1987 में इस एक्ट को अमेंडमेंट किया गया, मतलब चेंजेस किए गए, तो इसकी राइज कैपिटल को 1 करोड़ से इंक्रीज करके 5 करोड़ तक कर दिया गया। और यहाँ पर थ्री, मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर्ड बैंक, ये तीनों मिलके काम करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है जबकि स्टेट गवर्नमेंट का 15%, और स्पॉन्सर्ड बैंक कोई भी बैंक हो सकता है जो स्पॉन्सर करता है उसको, उसका हो जाता है 35%। तो ये सब हमारे मैनेजमेंट के बारे में हम कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, किस अकॉर्डिंग वो इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं। और इसमें कुछ आते हैं कि मैनेजमेंट जो है उनका वो क्या है, जो चेयरमैन जो अपॉइंट करता है स्पॉन्सर बैंक, वो नबार्ड की हेल्प से करता है। नबार्ड के बारे में भी हम आगे, अब मैं अपनी एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ इसके बारे में भी, तो आप उसको ज़रूर चेक करना। नाउ ये क्या करता है, स्पॉन्सर्ड बैंक जो होता है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहता है RRB को, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स को टाइम टू टाइम अमेंडमेंट करता रहता है, उनको चेक करता रहता है कि वो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऑडिटिंग करता रहता है, अगर कुछ भी चेंज करना होता है तो उनको सजेस्ट करता है जब भी ज़रूरत होती है। और जो RRB है वो क्या करता है, करेंसी डिपॉजिट को, जो NRI से आई है, फॉरेन एक्सचेंज से हमें करेंसी आई है, उसको भी एक्सेप्ट करता है और इंडियन लोगों को ज़्यादा प्रेफर्ड करता है। मतलब RRB, मतलब रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन करेंसी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी ये हमारा अमेंडमेंट हुआ था 2007 में, July 5, 2007 के बाद से RRB एक्सेप्ट करते हैं करेंसी को, फॉरेन करेंसी को, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।